नमस्कार, जेबीटी एंटरटेनमेंट न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। विकी कौशल को लेकर एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने किया है। अनुराग कश्यप ने बताया कि विकी कौशल अरेस्ट हुए थे। पूरा मांजरा क्या है आपको बताते हैं। कपिल शर्मा के शो में आमतौर पर स्टार्स अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए इस शो का हिस्सा बनते हैं। इस बार कपिल के गेस्ट थे सुपरहिट फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के कास्ट और डायरेक्टर अनुराग कश्यप। कपिल का शो था तो ठहाकों के साथ किस्से और कहानियों का दौर भी चला। इस मौके पर अनुराग कश्यप ने बताया कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक्टर विकी कौशल उनके असिस्टेंट डायरेक्टर में से एक थे। उन्होंने बताया कि फिल्म में जो अवैध रेत खनन का सीन था वो रियल था और वहां पर लोकल माफिया अवैध रेत खनन कर रहे थे। बस अनुराग और उनकी टीम कैमरा लेकर वहां पर घुस गए और उसी के बाद विकी कौशल और यूनिट के एक और व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। जी हाँ, विकी कौशल पूरे एक दिन के लिए अरेस्टेड थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर ने 10 साल पूरे कर लिए हैं और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए कपिल ने अपने शो में डायरेक्टर और कास्ट को इनवाइट किया था। इस मौके पर मनोज वाजपेयी, पीयूष मिश्रा, हुमा कुरैशी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी समेत कई कलाकार शो का हिस्सा बने। भाई, अब इस दिलचस्प कहानी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। जुड़े रहिए जेबीटी एंटरटेनमेंट के साथ। नमस्कार।